पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार, ये नई महागठबंधन की सरकार है और हम सब लोगों को मिलकर के इसी तरीके से बिहार को एक नए पैदान पे पहुंचाना है, आगे बढ़ाना है। प्राप्त निश्चय 2 के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सब लोगों को पता है कि 7 निश्चय 2 के तहत सोलर स्ट्रीट लाइट की योजना का आज शुभारंभ किया जा रहा है और बड़ी खुशी की बात है, हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है इस कार्यक्रम में आने में। और इसका मकसद है कि सभी गांव के वार्ड में पंचायतों में जो अंधेरा, जो लोगों के जीवन में जो अंधेरापन है उसको उजाला में तब्दील करना, उनके जीवन में प्रकाश डालना। और किसी के जीवन में अगर अंधेरा हो और उसके जीवन में अगर प्रकाश डालने का काम करते हैं तो इससे बड़ा काम कोई और नहीं हो सकता। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, विकास के कार्य कर रहे हैं, चाहे पक्की सड़क बनाना हो, गांव तक संपर्क जोड़ना हो, टोला तक संपर्क जोड़ना हो, हर घर लोगों को जल जो है नल से मिले उसकी व्यवस्था की जा रही है। हम लोगों का प्रयास है स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कि सबको दवा मिले। लोग शहरों के अलावा इलाज में शहर आते हैं लेकिन हमारा प्रयास है कि उनको जिले तक ही हम लोग रोकने का काम करें, ऐसी स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था कराएं, अस्पतालों की व्यवस्था कराएं, लोगों को अच्छे छात्रों के जीवन में अच्छे प्रकाश के लिए उनको शिक्षा प्रदान करें। तो चाहे पढ़ाई हो दवाई हो, अब तो कमाई रोजगार की भी बात अगर आ रही है तो नौकरी की भी देने की बात हम लोग कर रहे हैं और वो भी होने जा रहा है। तो पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार, ये नई महागठबंधन की सरकार है और इससे लोगों में एक बड़ा अच्छा संदेश जाएगा जो आज का जो कार्यक्रम है। अब आप देखिए कितना लोगों को मुश्किल होता था, गांव में कहीं भी चले जाइए अंधेरा होता था, उससे अपराध की घटनाएं होती थी। अब कम से कम उजाला होगा तो उस पर नियंत्रण जो है अपराध में भी हम लोग जो है कायम करेंगे। और अभी हम अधिकारियों के साथ बैठे थे, इसमें मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था बड़ी अच्छे तरीके से कराई गई है। मतलब कोई भी अगर स्ट्रीट लाइट सोलर खराब है तो उसका नंबरिंग दिया हुआ है और उसको बैठे बैठे कहीं से भी सेंट्रलाइज तरीके से बैठ करके डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन से वार्ड में कौन से पंचायत में स्ट्रीट लाइट जो है खराब है और उसका तुरंत जो है उसका ठीक कराने की व्यवस्था कराई जाएगी। तो ये तो बड़ा अच्छा काम है और हम तो कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की दुर्दशा है कि आप शहर के साथ साथ आप ग्रामीण इलाके को भी आप बड़े बखूबी ढंग से आप उस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। और पंचायती राज मंत्री जी ने बताया कि एक बड़ा आबादी जो है ग्रामीण के इलाकों में लोगों का रहता है, तो एक बड़ी अच्छी बात है कि इस दिशा में गांव के लोग जो समाज के अंतिम पैदान पे जो लोग रहने वाले हैं उन तक हम लोग जो है जीवन में प्रकाश डालने का काम कर रहे हैं, उजाला उनके जीवन में हम लोग लाने का काम कर रहे हैं।